वर्षों बाद किसी दिन आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां के आसपास के सभी दृश्य आपको याद आने लगते हैं। हमारी यह जो यादाश्त है, यह जो मेमोरी है, यह पिक्चर या इमेज में काम करती है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, कल्पना करते हैं, पिक्चर या इमेज में करते हैं। यदि आपने गजनी पिक्चर देखा हो तो शायद आपको याद आ जाए, इस पिक्चर का जो हीरो है उसे बार बार भूलने की बीमारी है, वह अचानक ही सब कुछ भूल जाता है और उसे जहां भी जाना होता है उसके हाथ में कुछ पिक्चर या तस्वीर होता है। जब वह उस स्थान तक पहुंचता है तो उस पिक्चर से उस स्थान का मिलान करता है और उसकी मेमोरी यादाश्त अचानक ही वापस आ जाती है। हमारा यह जो मन है वह दो हिस्सों में विभक्त है। पहला जो मन है उसे चेतन मन और दूसरा जो मन है उसे अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन हमारे पूरे मन का 10% और अवचेतन मन पूरे मन का 90% होता है। और इसी 90% अवचेतन मन में हमारे सभी प्रकार के यादाश्त स्टोर होते हैं, हमारे सभी प्रकार के अनुभव, हमारे सभी इमोशंस और आदतों से जुड़े हुए सभी प्रकार के वाइब्रेशन, संस्कार, सब कुछ इसी अवचेतन मन में स्टोर होते हैं। और जब कभी हम कुछ सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो हमारे मनस पटल पर वो तस्वीर उभर आती है और अपने मन की आंखों से हम सब कुछ देखते हैं। और जो भी दृश्य हम देखते हैं, जो विजुअल्स हम देखते हैं, और देखते देखते जब हम उसमें खो जाते हैं तब उस प्रक्रिया को विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये अवचेतन मन की शक्ति है, ये अवचेतन मन की विजुअलाइजेशन पावर है। और हम विजुअलाइजेशन पावर टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यह जो अवचेतन मन है यह तर्क नहीं करता, यह जो जैसे है उसे ही देखता है और सच मान लेता है। जिस प्रकार टेलीविजन का मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में ऑडियो और विजुअल से संबंधित सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन एक पॉइंट पर इनकोडेड होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सभी प्रकार के अनुभव, सभी प्रकार के इमोशंस, भावनाएं, वाइब्रेशन, आदतें एक पॉइंट पर स्टोर होती है। और जब कभी भी हम उन भावनाओं और अनुभवों से संबंधित अपने मन में किसी प्रकार का चित्र बनाते हैं, उसे देखते हैं, अपनी मन की आंख से देखते हैं, तो हमारे ब्रेन का वह हिस्सा, हमारे तंत्रिका तंत्र का वह पथ, वह सर्किट एक्टिवेट होने लगता है। ऐसा कल्पना करने से, सोचने से, विजुअलाइजेशन करने से होने लगता है। जैसा हम अपने वास्तविक जीवन में उस पल को, उस क्षण को अनुभव कर रहे होते हैं, बिल्कुल वही वास्तविक अनुभव कल्पना करते समय, विजुअलाइजेशन करते समय भी होने लगते हैं। और हमारे मस्तिष्क का, हमारे मन का वह पार्ट अपने आप ही रीप्रोग्राम होने लगता है, एक्टिवेट होने लगता है। तो हम अपने अवचेतन मन की इसी शक्ति का इस्तेमाल करके, विजुअलाइजेशन टेक्निक से, हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं, यदि हम वैसा ही कल्पना करना, इमेजिनेशन करना शुरू करते हैं, तो हम ठीक वैसा ही बनते जाएंगे। जैसे हम सपने देखते हैं, ये दोनों आंखें बंद होती हैं, आंखों से सपनों का कोई संबंध नहीं, हम सपने मन की आंख से देखते हैं। सपने में जो विजुअलाइजेशन होता है वो अचानक होता है, वो प्रकृति हमें सपने दिखाती है, और जो भी विजुअलाइजेशन होता है उसका इफेक्ट, उसका केमिकल रिएक्शन हमारे मन में होता है। हम कभी डरते हैं तो कभी भागते हैं, चिल्लाते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी उछलते हैं, कूदते हैं, यानी कि हमारे मस्तिष्क में हमारे न्यूरॉन्स, हमारे तंत्रिका तंत्र एक्टिवेट होने लगते हैं। जैसा दृश्य हम देखते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति
एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, सपने वो नहीं जो हम बंद आंखों से रात को देखते हैं, सपने वो हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। यानी कि जो हम विजुअलाइज करते हैं अपने भविष्य से संबंधित, हम जो कुछ भी सोचते हैं, भविष्य के सपने देखते हैं, तो सब कुछ हमारे अवचेतन मन में घटित होता है। आप अपने मन में जैसी कल्पना करेंगे, जैसी तस्वीर बनाएंगे, आपका अवचेतन मन वैसा ही मान लेगा। तो आज मैं आपको एक पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड विजुअलाइजेशन टेक्निक बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हैं वैसी ही तस्वीर आप अपने दिमाग में बनाएंगे, और ठीक वैसे ही केमिकल रिएक्शंस आपके ब्रेन में होने शुरू हो जाएंगे और आपका यह अवचेतन मन रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा, और आप जैसा देखेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल करते समय एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें, आप वास्तविक बातों को ही सोचें। जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र से संबंधित आप कल्पना करें। यदि आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं और एक बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं तो आप बिजनेस से संबंधित कल्पना करें। आप ऐसा सोचें कि आप एक सफल बिजनेसमैन बनते जा रहे हैं और आपको बिल्कुल बिजनेसमैन बनने के बाद बिल्कुल वही खुशी आपको मिल रही है जो कि वास्तविक जीवन में बनने के बाद आपको मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में अपने मन में खाका खींचते हैं, ड्रेसिंग रूम यहाँ होगा, किचन यहाँ होगा, बेडरूम यहाँ होगा, गेस्ट रूम यहाँ होगा, वॉशरूम यहाँ होगा, और किसका दरवाजा किस दिशा में होगा, आपके मन में उसका एक क्लियर पिक्चर होता है, और आप इंजीनियर को बुलाकर उसका मॉडल बनवाते हैं, और जब इंजीनियर मॉडल बना देता है तो आपको बहुत ही खुशी होती है, लगता है कि आपके सपनों का घर जो आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही इंजीनियर ने बना दिया है, आप बहुत ही खुश होते हैं। और जब वास्तव में आपका वह सपनों का घर बन के तैयार होता है तो फिर से आपको वही खुशी मिलती है। यानी कि बनने से पहले कल्पना में, इमेजिनेशन में आपको खुशी मिलती है, और फिर वास्तविक जीवन में आपको वही खुशी दोबारा मिलती है। इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल यदि आप सोने से पहले या जगने के ठीक बाद करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और यह आपको 100% रिजल्ट भी देगा। विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते समय एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें, आप ओवर थिंकिंग से बचें। आप बहुत गहराई में किसी बात को न सोचें, क्योंकि आपका अवचेतन मन बहुत ही गहरा है। जब आप गहराई में सोचेंगे तो आपकी पुरानी यादें, वो सब कुछ आपके अवचेतन मन से उभरनी शुरू हो जाएंगी, वह एक बिल्कुल हौच-पौच खिचड़ी बन जाएगा। तो आप जब भी विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें तो ओवर थिंकिंग से बचें। और दूसरी बात, सभी ज्ञानेंद्रियों को भी इसमें शामिल करें, क्योंकि हमें जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं उसमें सभी ज्ञानेंद्रियां भी शामिल होती हैं। सभी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करने से आपका विजुअलाइजेशन एक ब्रॉडर सेंस में होगा, एक विस्तृत अनुभव आपको प्राप्त होगा, और आप विजुअलाइजेशन में गहराई में उतरते चले जाएंगे। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, हो सकता है विजुअलाइजेशन करते समय आपका मन इधर उधर की बातों में भटकने लगे, कुछ ऐसे जरूरी काम होंगे जो आपको निपटाने होंगे और उसकी एक धुंधली तस्वीर भी आपके मन में बनने लगे, तो आप इससे बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, आप चिंतित ना हो, यह स्वाभाविक है, यह सबके साथ ऐसा होता है। और जब ऐसा हो तो आप अपने ध्यान को अपने सांसों पर टिकाएं, फिर अपने शरीर में चले जाएं और फिर वापस विजुअलाइजेशन टेक्निक में आप प्रवेश कर जाएं। चौथी बात,
आप बिल्कुल यह सुनिश्चित हो लें कि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आपका पूरा शरीर शिथिल है, बिल्कुल सरल और सहज तरीके से। क्योंकि जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तो प्राकृतिक रूप से आपके विजुअलाइजेशन से सभी प्रकार के अनुभव, सभी प्रकार के दृश्य चित्र अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। पांचवी बात, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का प्रतिदिन अभ्यास करें। जिस प्रकार आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम प्रतिदिन करते हैं, बार बार करते हैं, वो आपके अवचेतन मन में सेट हो जाता है, उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो काम ऑटोमेटिक ही अपने आप ही होने लगते हैं। तो आप अपने व्यस्त दिनचर्या से कम 10 मिनट का समय प्रतिदिन निकालें और प्रतिदिन इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। और छठवीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि विजुअलाइजेशन करते समय जो भी भावनाएं आपके मन में उत्पन्न होती हैं, उन भावनाओं से आप जुड़ते जाएं, अपने मन की गहराई से जुड़ते जाएं, क्योंकि आपके भावनाओं में ही वह शक्ति है जो आपके विजुअलाइजेशन पावर को और कारगर बना देती है। आप शक्तिशाली रूप से उस विजुअलाइजेशन टेक्निक से जुड़ते चले जाते हैं। और जिस प्रकार आप अपने वास्तविक जीवन में अपनी भावनाओं को अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार विजुअलाइजेशन में उसी भावना में आप उतरते जाएं, वास्तविक जीवन जैसे अनुभव आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। और अंत में सबसे पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक वह है जो हमारे अवचेतन मन को बिल्कुल सच लगता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप आईएएस आईपीएस बनने की कल्पना करें। मान लीजिए आप अनपढ़ हैं और एक आईएएस ऑफिसर बनने का विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आपका चेतन मन अपने तर्क से उस विजुअलाइजेशन को काट देगा और आपका विजुअलाइजेशन कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो आप जो भी विजुअलाइजेशन करें वास्तविक हो, क्योंकि अवचेतन मन में बातें जाने से पहले चेतन मन से गुजर कर ही अवचेतन मन में पहुंचती है। तो आप इन सभी बातों का ख्याल रखें और विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप जो कुछ भी भविष्य में अपने आप को बनते हुए देखना चाहते हैं उसका विजुअलाइजेशन करें। और ऐसा करने से एक दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बिल्कुल वही बना देगा जो आप देखना शुरू करेंगे।